हाय किड्स, दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर और एक छोटी सी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ डिक्लेरेशन फॉर्म और ये कब चाहिए, क्यों चाहिए, क्या पर्पस है इस वीडियो को बनाने का। तो क्विकली मैं आपको बता देती हूँ कि नीट डिक्लेरेशन फॉर्म हमारे नीट के ब्रोशर में आया है। ये जो फॉर्म है ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो ये करना क्या है, देखो बेटा होता है क्या, जैसे कि आपको पता बहुत सारी कैटेगरीज है हमारी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है हमारे पास, एससी एसटी कैटेगरी है हमारे पास, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बहुत सारी कैटेगरीज है हमारे पास, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, अब आपके पास मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं है कि यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी, काउंसलिंग के टाइम पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी इसकी जरूरत नहीं होती, बट आपको बताना है गवर्नमेंट को कि यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो मैं आपको भरना भी सिखा दूंगी, यहां आपको इस वीडियो में दिख भी रहा होगा नीचे की तरफ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। हर एक कैटेगरी के बच्चे को इस फॉर्म को भरना है और सरकार को ये बताना है कि भाई सुन, मेरे पास अभी टाइम नहीं है बनवाने का, बट मैं इस कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ, तो मैं अभी आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भर के दे रहा हूँ, बट अगर मैंने काउंसलिंग के टाइम पे भी सबमिट नहीं किया तो मेरी काउंसलिंग जनरल कैटेगरी में होगी, ना कि रिजर्व कैटेगरी में। सो देयर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों।